आज एक तीसरा दिन है आपका, आपकी वर्ड पावर का, वोकैब का, और इस तीसरे दिन में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो वर्ड्स आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। तो ये तीसरा सेशन जो है आपका आज से शुरू हो रहा है, और जो वर्ड्स हैं आपके पास वो वर्ड्स ये हैं। पहला वर्ड है आपका रिकोर्स। रिकोर्स मीन्स अ सोर्स ऑफ हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो और फिर आपको किसी आश्रय की जरूरत हो, किसी सहारे की जरूरत हो, कोई उपाय निकालना हो, आप रिकोर्स का प्रयोग करते हैं। ये एक नाउन है, मीन्स आश्रय, उपाय या शरण। अगर हम इसके सरनेम्स की बात करें तो अल्टरनेटिव है आपके पास, रिसॉल्ट है आपके पास, वे आउट है आपके पास, होप है, रेमेडी है मीन्स एक उपचार है आपके पास, एक्सपीरियंट है मीन्स कोई लाभ है आपके पास, रिफ्यूज है मीन्स शरण है आपके पास। अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक ब्लॉकेज है मीन्स रुकावट है, एक हिंड्रेंस है रुकावट है, इंजरी है मीन्स कहीं कहीं कष्ट है, प्रॉब्लम है, और ऑब्स्ट्रक्शन है मीन्स अवरोध है। अगर आप इस रिकोर्स के यूज की बात करें तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, यानी वो जो डिस्प्यूट था मीन्स जो विवाद था वॉज सेटल्ड, वो निपट गया, विदाउट रिकोर्स टू लॉ, बिना कानून की शरण लिए हुए, यानी कानून की शरण लिए हुए बिना वो जो डिस्प्यूट था कुछ समय बाद वो निपट गया। तो रिकोर्स, रिकोर्स मीन्स उपाय, शरण या कोई भी ऐसी चीज जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा वर्ड है आपका प्रोपिसस। प्रोपिसस मीन्स एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आपके लिए चीजें अनुकूल हो, मीन्स उपयुक्त हो, आप कोई भी कार्य करें आप उसमें सफल हो जाए, वो परिस्थिति आपकी प्रोपिसस होती है। प्रोपिसस चूंकि ओ यू एस है लास्ट में, मीन्स यह एक एडजेक्टिव है आपका, गिविंग आर इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। जब आपको एक अच्छा अवसर हो सफल होने का, वो अवसर आपके लिए फेवरेबल हो, तो वह अनुकूल है, उपयुक्त है आपके लिए। अगर इसके सिनोनिम्स को देखें हम तो वो अवसर फेवरेबल है, ऑस्पिशियस है, प्रॉमिसिंग है मीन्स आपको ये वादा कर रहा है कि बेहतर होगा कुछ, प्रोविडेंशियल है मीन्स लाभदायक है, एडवांटेजियस है लाभदायक है, फॉर्चुनेट है मीन्स बेहतर है आपके लिए, ऑप्टिमिस्टिक है मीन्स आशावादी है कुछ बेहतर हो सकता है, अपॉर्चून है मीन्स अवसर है आपके लिए, सूटेबल है या एप्ट है मीन्स उपयुक्त है आपके लिए। अगर आप प्रोपिसस के एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स है इन ऑस्पिशियस है मीन्स सही नहीं है, इन अपॉर्चून है मीन्स अवसर नहीं बेहतर है, अनलकी है मीन्स भाग्य नहीं बेहतर है, अनफेवरेबल है मीन्स आपके पक्ष में बेहतर नहीं है, या इन अप्रोप्रिएट है, अनसूटेबल है मीन्स अनुपयुक्त है। यूज हम देखें प्रोफेसर का, इंडिया हैज इमर्ज्ड अमंग अ फ्यू लार्ज इकोनॉमीज। भारत जो है कुछ बड़े आर्थिक शक्तियों में से एक होकर उभर रहा है विद प्रोफेसर इकोनॉमिक आउटलुक, यानी इसका जो उचित आर्थिक दृष्टिकोण है उसकी वजह से भारत उभर रहा है कुछ बड़ी आर्थिक शक्तियों में से। तो प्रोफेसर, प्रोफेसर मीन्स ऑस्पिशियस मीन्स उपयुक्त, अनुकूल आपके लिए जो हो वो प्रोफेसर है। एक व्यक्ति अगर कंटेंट है मीन्स संतुष्ट है तो फिर वो खुश रहता है। अगर एक व्यक्ति डिसकंटेंट है मीन्स उसके अंदर कहीं कहीं असंतोष है, वो नाखुश है वो, तो डिसकंटेंट मीन्स असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन विद वंस सर्कमस्टांसेस, जब आप अपनी परिस्थितियों से खुश ना हो, लैक ऑफ कंटेंटमेंट, जब आपके अंदर संतुष्टि की कमी हो, तो वह डिसकंटेंट है, नाउन है आपका। सिनोनिम्स अगर हम देखें, डिससेटिस्फैक्शन है मीन्स असंतुष्टि है, डिसअफेक्शन है मीन्स कहीं कहीं आपको खुद से लगाव नहीं या फिर कोई भ्रम है अपनी संतुष्ट ना होने का, डिसकंटेंटमेंट है मीन्स असंतुष्टि है। अगर एंटोनिम्स देखें तो कंटेंटेडनेस है आपके अंदर, सेटिस्फैक्शन है, इजीनेस है या पेशेंस है मीन्स आपको कहीं कोई घबराहट नहीं है, आप खुश हैं वर्तमान परिस्थिति से। यूज है यू आर ऑलवेज अनहैप्पी, आप हमेशा अनखुश रहते हो मीन्स नाखुश रहते हो, बिकॉज ऑफ योर डिसकंटेंट, अपनी नाखुशी यानी असंतुष्टि की वजह से, यानी आप चूंकि हमेशा असंतुष्ट रहते हो इसलिए आप खुश नहीं हो, तो डिसकंटेंट असंतुष्टि। एप्रोप्रिएट, आप किसी से कोई स्वीकृति चाहते हैं, किसी से में चाहते हैं कि वो आपका समर्थन करें, तो वो आपको एप्रोबेट करते हैं। एप्रोबेट लास्ट में एटीई है मीन्स यह एक वर्ब है, तो एप्रोबेट वर्ब, अप्रूव फॉर्मली,
यानी किसी चीज की औपचारिक सहमति देना, सैंक्शन कर देना, उसकी अनुमति देना, स्वीकृत कर देना, अनुमोदन करना, समर्थन करना, स्वीकृति प्रदान करना। एप्रोबेट का सरोनिम है अथोराइज करना, कंफर्म करना, कंसेंट प्रदान करना, मीन्स सहमति प्रदान करना, इंडोर्स करना मीन्स सहमत हो जाना, समर्थन करना, सैंक्शन कर देना मीन्स स्वीकृति देना। एंटोनिम्स अगर हम देखें तो कंट्राडिक्ट करना मीन्स विरोध करना, डिनाई करना, इनकार कर देना, डिसअलाउ कर देना, अनुमति न देना, डिसअप्रूव कर देना, असहमत हो जाना, इनवैलिडेट कर देना, अवैध करार कर देना, प्रोटेस्ट करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, रिप्यूडिएट करना मीन्स मना कर देना, इनकार कर देना, या वीटो लगा देना मीन्स निषेध लगा देना कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। अगर आप एप्रोबेट का यूज देखेंगे तो विदाउट पेरेंटल एप्रोबेशन यानी बिना माता पिता की सहमति के वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन इन दिस मैटर, हम इस मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो एप्रोबेट, एप्रोबेट में सहमति प्रदान करना, अनुमोदन कर देना या समर्थन कर देना। बहुत सारे लोगों के अंदर क्लीमेंसी होती है, मीन्स उनके अंदर एक प्रकार की दया होती है, दूसरों के प्रति बेहतर बिहेवियर करते हैं। तो क्लीमेंसी सी वाई है लास्ट में, मीन्स एक नाउन है, एन एक्ट आर डीड शोविंग मर्सी और लीनियंसी, यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें आप दयालुता प्रकट करते हो वो आपकी क्लीमेंसी होती है, तो दया या कृपा हो जाएगी। तो सिनोनिम्स देखें तो आपके अंदर एक कंपैशन है, आपके अंदर इंडल्जेंस है, लीनियंसी है, मर्सी है। एंटोनिम्स देखें तो क्रुएलिटी है, मीननेस है, इंडल्जेंस यहाँ पे नहीं हो, नो मर्सी मीन्स दयालुता नहीं आपके अंदर। अगर यूजेस देखेंगे, सरबजीत सिंह convicted for alleged involvement in bomb attacks in 1994. सरबजीत सिंह जिन पर पाकिस्तान में 1990 में बॉम्ब अटैक्स में अलीस्ट इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था, में तथा कथित संलिप्तता का आरोप था, वो सरबजीत सिंह ने हैज सेंट अ फ्रिस्क क्लीमेंसी अपील, उन्होंने फिर से एक दया की याचिका दायर की है कि उन्हें माफ कर दिया जाए। तो क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मीन्स दया या कृपा। वैगरी एक नाउन है आपका, एन अनप्रेडिक्टेबल आर इरेटिक एक्शन, यानी कोई ऐसा एक्शन जिसके बारे में लोगों ने सोचा ना हो, जो एक्शन इरेटिक हो, अनियमित हो, इरेगुलर हो, ऑकरेंस मीन्स कोई ऐसी घटना हो, कोर्स कोई ऐसा कार्य हो या इंस्टेंस या फिर कोई एग्जाम्पल हो जिसके बारे में सोचा ना गया हो, वो अचानक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो वैगरी होता है। हिंदी में इसे हम माउस कह सकते हैं, सनक कह सकते हैं, या बिना किसी नियमित दिनचर्या के कोई कार्य हो रहा तो वैगरी होगा। वही क्वर्क है सरणम के रूप में, विम है एक सनक है, क्रोचिट है, फैंसी है, ह्यूमर है, आइडिया है, इम्पल्स है मीन्स आवेग में हम कार्य कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी या इनकॉन्स्टेंसी है, एंड निरंतरता की कमी, कब क्या हो जाए वो वैगरी है। अगर एंटोनिम्स देखें हम तो हम एक्चुअलिटी में है, सर्टेनिटी में है, रियलिटी में है, ट्रुथ है या वैरिटी सच्चाई है, इट मीन्स हम अनियमित नहीं है, वास्तविकता है। यूज आप कर सकते हैं खरीफ क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड, ने जो खरीफ की फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं बाई वैगरीज ऑफ मानसून, मानसून की वैगरीज के कारण यानी अनियमितता कारण, यानी मनमर्जी रूप से मानसून आ रहा है जिसकी वजह से जो खरीफ की फसल है वो अफेक्टेड हो गई मीन्स प्रभावित हो गई है। तो वैगरी, वैगरी मीन्स मौज, सनक या अनियमित व्यवहार। मल्टीफेरियस, आपको एक शब्द याद होगा निफेरियस, निफेरियस जो है उसके मीन्स होता है घृणास्पद, मीन्स घृणास्पद, बट मल्टीफेरियस अगर कोई चीज है तो कई सारी चीजों का मिक्सचर है, मीन्स विविध है वो, having many varied parts or aspects, जिसमें बहुत सारी अलग अलग parts हो या aspects हो, पहलू हो, वो multifarious होता है, विविध हो। synonyms अगर हम इसका देखें तो assorted है वो, diverse है, diversified है, many fold है, मीन्स कई सारी चीजें उसमें, many है, miscellaneous है, multiple है, multitudinous है या myriad है, मीन्स अनेक चीजें उसमें मिश्रित है। अगर हम इसके antonyms की बात करें तो unvaried है, अनवेरिंग है, कॉन्स्टेंट है, मीन्स स्थिर है, बदल नहीं रहा। और आप यूज देखें मल्टीफेरियस का तो दिस मैन कैन अंडरटेक मल्टीफेरियस टाइप्स ऑफ मिशन, ये जो आदमी है ये तमाम प्रकार के, अनेकों प्रकार के कार्य जो है, लक्ष्य अपने हाथ में ले सकता है। तो मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस मीन्स विविध, मीन्स बहुत सारी चीजों से मिला हुआ। आले
अले एक वर्ब है जो कि सेमेंश होता है किसी चीज की संख्या को मात्रा को कम कर देना, शांत कर देना, मीन्स उसका निराकरण कर देना। कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई सस्पेशन है, कोई फियर है, कोई एंगर है, उसे कम कर देना, रेस्ट पर रखना, काम कर देना, क्वाइट कर देना, शांत कर देना। तो अले अले मीन्स निराकरण करना। सरणिम्स अगर हम देखें तो एलिवेट समस्या में शांत करना, कम करना, अस्वस्थ राहत देना, मिटिगेट कम करना, मॉडिफाई कम करना, शांत करना, पैसिफाई शांत करना, अबेट कम करना, कंपोज आराम देना। अगर आप एंटोनिम्स देखें अले का तो एग्रेवेट कर देना, बढ़ा देना, एजिटेट कर देना, क्रोधित कर देना, इनसाइट कर देना, भड़का देना, इंक्रीज या इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना, तीव्र कर देना या इरिटेट कर देना और क्रोधित कर देना। अगर हम अले का यूज देखें तो वी नो दैट अ जेंटल ब्रीज, हम जानते हैं कि एक जो ताजी हवा होती है वुड अले द हीट, इस गर्मी को क्या कर देगी, वो कम कर देगी, मीन्स जो गर्मी हो रही है उस समस्या का समाधान कर देगी, निराकरण कर देगी। ये अले करना मीन्स निराकरण करना, शांत करना, कम करना। एक्विवोकल, एक्विवोकल मीन्स ऐसे शब्द जो समान रूप से कई अर्थों में बोले जा रहे हैं। तो एक्विवोकल अलाउिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स, जिसके कई सारे अर्थ होते हो, ऑफ डाउटफुल नेचर और कैरेक्टर, जिसका नेचर या कैरेक्टर डाउटफुल संदिग्ध हो, क्वेश्चनेबल हो, मीन्स उस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, वो चीज एक्विवोकल होती है, मीन्स संदिग्ध या द्वैअर्थी होती है, जिसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अगर हम देखें तो एम्बिगुअस हो जाएगा, एम्बिवलेंट हो जाएगा, मीन्स दो दो विचारधाराओं वाला, डबियस संदिग्ध हो जाएगा, इवेसिव कहीं कहीं छल भरा या जिसके बारे में आप क्लियर ना हो सकते हो, मडल्ड हो जाएगा, घुड़मुड़ हो जाएगा, पजलिंग हो जाएगा, मीन्स कहीं कहीं परेशान करेगा, वैग होगा मीन्स अस्पष्ट हो जाएगा, फिसी फजी या हेजी हो जाएगा मीन्स अस्पष्ट होगा। अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक्विवोकल का एंटोनिम हो जाएगा शॉर्टेन हो जाएगा, डिटरमिन्ड हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो बिल्कुल अस्पष्ट हो। अगर आप इसके यूज को देखें इट रिमेन्स एक्विवोकल, यानी ये अभी भी कहीं कहीं द्वैअर्थी संदिग्ध अस्पष्ट नहीं है, एज टू वेदर आर नॉट कि क्या हिंदू टेम्पल वॉज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड, क्या एक हिंदू मंदिर वास्तव में नष्ट किया गया था, ये चीज अभी भी एक्विवोकल है, मीन्स अस्पष्ट है, संदिग्ध है, क्लियर नहीं है। तो एक्विवोकल मीन्स संदिग्ध या अस्पष्ट। जब हम इनिशिएट करते हैं किसी चीज को तो हम उसके दो अर्थ निकालते हैं, एक हम शायद कोई प्रतिज्ञा लेते हो, अस्पष्ट कहते हो, दूसरा उस चीज को उच्चारित करते हो। टू अटर आर प्रोनाउंस, कोई वर्ड हो, सेंटेंस हो, उसको प्रोनाउंस करना, स्पेशली इन एन ऑडिकुलेट आर अ पर्टिकुलर मैनर, एक विशेष तरीके से उसे कहना मीन्स उच्चारित करना। सरणिम्स अगर हम देखें, आर्टिकुलेट करना, इनटोन करना, आउटलाइन करना, प्रोफाउंड करना या अटर करना, मीन्स कहना, अस्पष्ट करना। एंटोनिम्स देखें तो हम उच्चारित करने के बजाय, कहने के बजाय उसे कॉन्सील करें, कन्फाइन करें, हाइड करें, मीन्स न बोले हम। यूज अगर हम देखें इसका तो चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू एनशिएट क्लियरली, इन्हें बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से अस्पष्ट रूप से इनन्शिएट करते हैं, मीन्स उच्चारित करते हैं। तो इनन्शिएट, इनन्शिएट मीन्स उच्चारण करना। वी वॉक, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, पड़ाव या कोई शरण, कोई कैंप, और टेम्पररी कैंप और शेल्टर, मीन्स जहां पे आप अस्थायी तौर पर कोई पड़ाव बनाते हैं, शेल्टर लेते हैं, वो बिवॉक है आपका। यूज है सोल्जर्स आर सेटिंग अप अ बिवॉक, यानी जो सैनिक हैं वो एक पड़ाव स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं, बाई द स्ट्रीम, बाई मीन्स के बगल में, यानी छोटी सी नदी के बगल में जो सोल्जर्स हैं वो एक बिवॉक स्थापित कर रहे हैं, बिवॉक बना रहे हैं, मीन्स एक शरण बना रहे ताकि वहां वो रुक सकें। तो बिवॉक मीन्स पड़ाव या कोई शरण। ब्लेंडर आप समझते होंगे, आप यूज भी करते होंगे, ब्लेंडर मीन्स मिक्सर होता है, एंड अप्लायंस एक उपकरण यूज टू चॉप, जिसे काटने के लिए, मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए हम यूज करते हैं, वो ब्लेंडर होता है। यूज है इसका इंस्टेड ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स को खाने के बजाय ही पुट्स देम इन अ ब्लेंडर, वह एक मिक्सर में, एक ब्लेंडर में उसे डाल देता है। तो ब्लेंडर, ब्लेंडर मीन्स एक प्रकार का मिक्सचर, मिक्सर। ब्रेड वन वर्ड है आपका, ये
गोथना, जनरली चोटियों वगैरह के लिए, चोटियां बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका। तो ब्रेड और हेयर स्टाइल, एक प्रकार की हेयर स्टाइल फॉर्म बाई वीविंग 3 or more स्ट्रॉन्स ऑफ हेयर। जब हम 3 से 4 प्रकार के भागों में चोटियां बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो हम उसे ब्रेड करते हैं। यूज है अंटिल शी वॉज 15, जब तक वो 15 साल के थे तब तक शी हैड अ ब्रेड, वो एक चोटी बनाती थी दैट रीच्ड टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक पहुंच जाते थे। तो ब्रेड, ब्रेड मीन्स चोटियां वगैरह गूंथना, उन्हें बनाना। ब्रू, समझ सकते हैं आप, शराब बनाना। मेक बीयर बाय सोकिंग, बॉइलिंग एंड फर्मेंटेशन, मीन्स उसे सोक करके, बॉइल करके, फर्मेंट करके उसे बनाना, तो शराब बनाना होता है ब्रू मीन्स। They have been brewing in the new brewery since March. Brewery समझते होंगे आप, शराब खाने को, जहां पे शराब बनाई जाती, शराब की भट्टी होती उसको कहते हैं। तो मार्च से ही वो उस भट्टी में, शराब की भट्टी में वो ब्रू कर रहे हैं, मीन्स शराब बनाने का कार्य करते आ रहे हैं। तो ब्रू मीन्स शराब बनाना। ब्रूहा मीन्स हो हल्ला, शोरगुल करना, चिल्लाना, वो प्रशंसा के भी हो सकते हैं, नकारात्मक शब्द भी हो सकते हैं। Unwise and over excited reaction, जब हम जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट में रिएक्शन देते हो, और रिस्पॉन्स टू समथिंग या रिस्पॉन्स देते हो किसी चीज का, तो हम ब्रुहा करते हैं। और ब्रुहा इरप्टेड, यानी एक हो हल्ला हुआ, शोर हुआ ओवर हर स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट के बारे में उसके वक्तव्य आ रहे तो बोल रही थी, तो लोगों ने एक ब्रुहा किया, मीन्स हो हल्ला किया, वो प्रशंसा के भी हो सकता था, उसे शांत करने का भी हो सकता था। तो ब्रुहा हो हल्ला। एडियम्स हैं, अ पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। बहुत बार हम करते क्या है, हम लोगों को कोई चीज मैसेज देते हैं कि वो ऐसा करें, उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम खुद उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो यहां पे है अ पिक्चर इज वर्थ, यानी किसी चीज का दिखाना ज्यादा बेहतर है थाउजेंड वर्ड्स, किसके अपेक्षा, हजारों शब्दों के अपेक्षा। यानी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करें, उसे बेहतर, उसे चित्रित करके दिखा दें, तो यह कहने से बेहतर करना होता है। अ गुड प्रेजेंटेशन, अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, शुड कंटेन मोर ऑफ ग्राफिक्स, उसमें अधिक से अधिक ग्राफिक्स होने चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए, एंड लेस ऑफ टेक्स्ट, उसमें लिखा कम होना चाहिए, सिंस चूंकि अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, क्योंकि कहने से करके दिखाना बहुत बेहतर होता है। तो अ पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, मीन्स किसी चीज को दिखाना ज्यादा अच्छा है उस चीज को शब्दों में बयान करने की अपेक्षा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बहुत बार हमें जो जिस तरीके का प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास करना चाहिए, हम वो नहीं करते, हम कुछ और कर रहे होते हैं, जिस तरफ हमें बढ़ना चाहिए उस तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, तो हम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कर रहे होते हैं। इफ यू थिंक यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाई फॉलोइंग दोज स्टेप्स, यदि आप सोचते हैं कि उन कदमों का अनुसरण करके आप इस समस्या को हल कर लेंगे, तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो आप गलतफहमी में हैं, अर्थात आप गलत प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास वो सफल होने वाला नहीं है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री में गलत प्रयास करना है, गलत फहमी होना, वो काम न करना जो काम करना चाहिए। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, बहुत बार हम उतने सारे काम करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं होते, हम सब उतना चबाने की कोशिश करते हैं या उतना मुंह में डाल लेते हैं जितना हम चबा नहीं सकते हैं। मीन्स बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा मुंह में भरना, काटने की कोशिश करना, मीन्स जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेना। इट फील्स लाइक, ऐसा लग रहा है, आई बाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, कि मैंने ज्यादा कार्य करने की कोशिश किया, मीन्स जितना मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा मैंने हाथ में ले लिया। वेन, जब आई प्रॉमिस, मैंने ये प्रॉमिस किया to complete this worksheet in one day, कि मैं एक दिन में ही इस वर्कशीट को पूरा कर लूंगा, यानी मैं सिर्फ मैं कर नहीं सकता हूं इस शीट को एक दिन में, लेकिन मैंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया, इट मीन्स मैं जितना कर सकता था उससे ज्यादा करने का मैंने क्या कर दिया, वादा कर दिया। मीन्स बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीन्स जरूरत से अधिक करने की कोशिश करना। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, गेन ऑन मीन्स टू कम क्लोज, टू किसी के करीब आना,
A huge bear was gaining on him. एक बड़ा सा विशाल भालू उसकी तरफ बढ़ता रहा था with every stride, हर एक स्ट्राइक पर हर एक कदम पर उसकी तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा था. तो gain on means to come close to, किसी के और पास आते जाना. और ये लास्ट वर्ड है आपका do far means defeat कर देना, ruin or kill कर देना, means किसी को मार देना, नष्ट कर देना. Without that contract, इस contract के बिना we are done for, हम बर्बाद हो जाएंगे, means हम नष्ट हो जाएंगे. तो do far defeat करना, ruin करना या kill कर देना. ये 20 वर्ड्स हैं आपके पास, जिसमें शुरू के 10 जो है सरोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं. अगले जो 5 हैं वो वन वर्ड्स के हैं, अगले जो 3 हैं वो idioms and phrases हैं, और लास्ट के phrasal verbs हैं. अगर आप इनको systematically, जैसे आप मेरी पहली जो session है, दूसरा session, फिर तीसरा session है, systematically आप करते रहेंगे तो बच्चों निश्चित आप सफल हो जाएं. आप प्रयास करें, ये मेरा एक प्रयास है आपकी तरफ, आपके लिए. बच्चे सफल हो रहे हैं धीरे धीरे इसका फायदा लेकर के. तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ये शब्द निश्चित ही आपके काम आएंगे. अगले चौथे session में फिर से आप मिलेंगे. गुड बाय.